स्वामी शांति प्रकाश महाराज की स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार Thank you.
Thank you.
Thank you.
कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गजाननम भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बो परिचार वक्षिणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्री सतगुरु स्वामी केहु राम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की। सर्व संतन महात्मान की। श्री राम कृष्ण भगवान की। गंगा मैया की। सनातन धर्म की। लक्ष्मी नारायण की। गौ माता की। भारत माता की। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान वाच अभयम् सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थता दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तपार्जम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति भीषणम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवीर चापलम तेजा क्षमा धृता सूचम द्रोहनाथ मानता भवंत शब्दम देवी माविजात भारत दम्भो दर्पो अवमानस्य क्रोधा पारसमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदामासुरी देवी संपदा मोक्षाय निबंधा सुरीमता मास च शब्दम देवी माविजातस्य पांडव। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले हे अर्जुन देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आश्रय संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का भाव अंतःकरण के अच्छे प्रकार से स्वच्छता तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ध्यान तथा इंद्रियों का दमन भगवत पूजा और अग्निहोत्रा उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा सुधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरांता अर्थात चित्त की चंचलता का भाव और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव ये सब तो ही अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये पार्थ पाखंड घवंड और अवमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आश्रय संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार के संपदा में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आश्रय संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हरिओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुनरिकाश मंगलायस्तनो हरि गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार मायामत्मवजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि। गजाननम भूतगणाधिसेवितम्
तप्तजम् उपलचार भक्षणम् उमासतम् शोक विनाश कारकम् नमाम विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। श्री सतगुरु स्वामी तेनु राम महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। श्री राम कृष्ण भगवान की। श्री व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 19वां अध्याय भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान परमानंद भगवान का मन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन आपने जो कुछ कहा वे आपके कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो परलोक के हितकारी धर्म के संबंध से आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रणाम जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी आज्ञा भी तो आप वैसे भी मानते हैं। आप के वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचक को याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनको ओर से मुंह तोड़ देने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो आपके कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्यकश्यप की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष ने के भाई हिरण्यकश्यप को उनके वध का वृतांत मालूम हुआ तब वो अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वाले सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो हाथ में शूल लेकर काल के भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं।
जिससे ये मुझे देख ना सके, क्योंकि ये तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर श्रोमणी जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उस समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासकामे से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातघाते उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी बुद्धि वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन ब्रोचन बड़े ही ब्राह्मण भगत थे। यह यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का भेष बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार आदि ग्रस्त ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशवी वीरों ने पालन किया है। दैत्येन्द्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वाले श्री में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से तीन डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्म पाप से छूट जाता है। हरि ओम, शांति शांति शांति। तत्पदं दर्शितमें तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विघ्नेश्वराय, वरदाय, लंबोदराय, सकलाय, जगदताय, नागार्णाय, श्रुतियज्ञभूषिताय, गौरीसुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। श्री राम कृष्ण भगवान की। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की। ओम सतनाम साक्षी दुआवली। प्रथमे बंधु पार ब्रह्म गुरु प्रथमे बंधु परम गुरु पार ब्रह्म शिव रूप जय प्रसाद पाइया आत्म ब्रह्म स्वरूप। द्वितीय द्वंदा तीर्थ सद सचित आनंद सार
अपना आत्म जान के बोविद करूं जोहार। तृतीय त्रिगुण रहत जे बंदी ऋषि मुन आद ताके संग प्रताप से पाया पुरुष अनाद। चतुर्थ चारों वेद को बंदू बारंबार जाके श्रवण मनन से मिटे मोह अंधकार। चतुर्थ चारों वेद को बंदू बारंबार जाके श्रवण मनन से मिटे मोह अंधकार। हरिओम शांति शांति शांति। हेलो गुरु प्रत्न हेलो सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेऊ राम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणम मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदी जगत गुरुम। निश्योकमानं गतरागदेशं ज्ञानेक सूर्यं जगदेक वंद्यं अध्यात्म लीनं विनर्तकामं श्रीतेमुरामं शरणं प्रपदे। श्रीतेमुरामं शरणं प्रपदे। सर्वानंदं प्रदातारं सर्वानंदं विकासकं सर्वानंदं वितारंचं सर्वानंदं नमाम्यं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो भांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु जैसा जग में दाता और न कोई सूजत है। सतगुरु जैसा जग में दाता और न कोई सूजत है। उसके सन से सर्वनिवारे भाव से जो जन पूछत है। उसके सन से सर्व भाव से जो जन पूछत भव सिंधु उतारण के लिए। सतगुरु ही परम जहाज है। भव सिंधु उतारण के लिए सतगुरु ही परम जहाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओट ले तिस जन की ओ राखत लाज है। जो श्रद्धा से उसकी
जिस जन की वो राखत लाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओ टले, तिस जन की वो राखत लाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओ टले, तिस जन की वो राखत लाज है। सतगुरु संगी पर लोक का जो यम की फांस छुड़ाता है। सतगुरु संगी पर लोक यम की फांस छुड़ा, सतगुरु संगी पर लोक का जो यम की फांस छुड़ाता है। सतगुरु यम की फांस छुड़ाता है। बंधन उसके काट देत जो शरण गुरु की आता है। बंधन उसके काट देत जो शरण गुरु की आ, दुख जन्म मरण का मिटा के दे सर्व सुख स्वराज है। दुख जन्म मरण का मिटा के दे सर्व सुख स्वराज है। जो श्रद्धा से उसकी ओटले, तिस जन की वो राखत लाज है। जो श्रद्धा से उसकी जन की वो राखत लाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओटले, तिस जन की वो राखत लाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओटले, तिस जन की वो राखत लाज है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सतगुरु बुद्धि के नैन में डारे अंजन ज्ञान, कहे टेऊं तम भरम हरे दिखलावे भगवान। सतगुरु महाराज की अनुभव वाणी का यह भजन है। मन सतगुरु के द्वारे चली, जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सब ने मन को सावधान किया है। मन के बारे में बताया गया कि हे मेरे मन, मानव जीवन में अपना कुछ उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचो। मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर सही है, मन अगर जहां शुद्ध है, मन अगर शुभ कार्य में है, तो हमारा और भी कार्य सारा सफल होगा। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो सदगुरु सर्वानंद जी महाराज, आज उनका गुरुवार अवतरण दिवस है। वो बार बार बताते थे कि हे मेरे मन सावधान हो जा। हर मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, परंतु शांति बाहर की तरफ देखता है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व कला समर्थ अलेपा, सदा तोई संग सहाई। भगवान सर्वव्यापक है और भगवान घट घट वासी है, भगवान सबके अंदर है। परंतु मन का मेल नहीं बनता, तो हे मेरे मन, ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ, ऐसे समर्थ गुरु की शरण में जाओ,
जहां आपका मन इस दुविधा से दूर हो जावे। दुविधा की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें, हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, हमें शांति की प्राप्ति कैसे हो। तो सदगुरु के द्वारे चलिए, सदगुरु गरीब नवाज है और सारे दुनिया के और मेरा सहारा तू ही तू। हे परमात्मा, आप ही मेरे सहारे हो। तो जितनी अधिक इच्छाएं और जितनी अधिक कामनाएं उतना ही दुख ज्यादा। सादा जीवन, उच्च विचार। महापुरुषों ने अपने जीवन को उच्च विचार से बनाया। सादी रहनी, सादी, सादा खाना, सादा पीना, सादगी से। तो हर मनुष्य के मन में ये भाव रहता है सुख की प्राप्ति के, और दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। दुख आवे तो ना घबराना, सुख आवे तो भूल न जाना। सुख में, क्योंकि संसारी सुख है ना, संसार के सुख जितने आते हैं उतना ही हम भगवान से पीछे हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और दुख आते हैं तो उस टाइम भगवान को याद करने बैठते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, हमको ये दुख है, हमको ये परेशानी, विकट समस्याएं आती हैं। हर मनुष्य के जीवन में बार बार यही बातें आती हैं कि हमारा सारा जीवन कठिनाइयों से गुजर गया, परिस्थिति से गुजर गया। कोई कई बातें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि कुछ कर्म की भी बातें होती हैं। प्रारब्ध जो कर्म है वो समय के हिसाब से भोगना पड़ता है, और जो वर्तमान में कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कर्म कहा जाता है। और उधर इस कर्म धर्म से ऊपर उठकर एक सदगुरु की शरण, एक आनंद में, एक शांति में, शांति की पराकाष्ठा में। तो सदगुरु सर्वानंद जी महाराज ने अपने जीवन में सादी रहनी, सादा विचार, और उन्होंने अपने आप को, यानी अपने शरीर को, अपने अहंकार को, मैं है तो समझो मेरा भी। सदगुरु महाराज का एक वचन भी है कि या तो कहो मैं सब कुछ हूं, या तो कहो मैं हूं ही नहीं। तो मैं हूं तो मेरा भी है, अगर मैं शरीर हूं तो मेरे पदार्थ भी हैं, मेरा मकान भी है, मेरा धन भी है, मेरी वस्तुएं भी हैं। तो इसलिए उन महापुरुषों ने हमें जीवन में जीना सिखाया किस तरह, कि बाबा दुनिया में रहना किसको नहीं है, जाना सबको है, परंतु उस समय में, उस पीरियड में कुछ करके जाना, ये हमको महापुरुषों से सीखना है। तो कोई भी साथ नहीं देता, एक परमात्मा ही साथ देते हैं। जब जाएंगे तो कौन होगा साथ, परमात्मा ही साथ है। तो ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने पर हमें रास्ता मिलता है। रास्ता मिलता है। साध संगत में तन मन सुधरे, 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 खारे थो तक संग रे मुंजा मन, 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 संतन जैनो संग न कोई, संतन जैड़ो संग न कोई, संतन जैड़ो संग न कोई, संतन जैड़ो संग न
कोई संतन जो कर संग रे मुंजा मन 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 संतन जेड़ो संग न कोई 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 संतन जो आवा संतन जो तो संग संग तारे कुसंग बोले संग संग का प्रभाव बड़ा पड़ता है। अगर किसी विषयी पुरुष का संग करेंगे तो उसमें वो हो जाएगा और फिर क्या होगा, खराबी होगी, शरीर खराब, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, तो उसमें दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इसलिए हमें चेष्टा करके इस मार्ग पर चलकर सावधानी ही साधन है, ऐसा बताया गया है। तो हम जितना जितना ही महापुरुषों की शरण लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो उतना ही हमारे मन पर विचार, जो कुविचार का पर्दा है वो हट जाएगा और सद्विचार आते जाएंगे। तो जिसकी रहनी कहनी बहनी सहनी अच्छी है तो परमात्मा के नजदीक समीप पहुंच जाता है। जीवन में दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, बार बार उथल पुथल होती रहेगी, कई परिस्थितियां आती हैं तो इंसान के मन में भय रहता है कि क्या करें। तो हमें उन महापुरुषों के जीवन को देखते हुए हम अपने आप को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उस मार्ग का अनुसरण करें, और मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा। अनगिनत कामनाएं मन में मेरे बसती, अनगिनत कामनाएं मन में मेरे बसती, काली नागिन बनकर दिन रात मुझे डसती, काली नागिन बनकर दिन रात मुझे डसती, अब भस्म उन्हें कर दो मत नाथ करो देरी, अब भस्म उन्हें कर दो मदनाथ करो देरी, दुख दर्द करो सदगु शरणागत में तेरी, दुख दर्द करो सदगु शरणागत में तेरी, स्वामी सर्वानंद महाराज सब विपत हरो मेरी, स्वामी सर्वानंद महाराज सब विपत हरो मेरी, दुख दर्द करो सब दूर शरणागत में तेरी, दुख दर्द करो सब दूर शरणागत में तेरी, शरणागत में तेरी, शरणागत में तेरी। तो हम भी उनकी आज्ञा का अनुसरण करके पालन करके शिष्य पने का धर्म यही है, गुरु आज्ञा सिरधारे जी, अपनी आयु के दिन सारे गुरु के साथ गुजारे जी। तो हम भी उनके आदर्श में चलकर हम अपना जीवन समर्पण भाव से अर्पित करेंगे तो हमारा भी ये लोक सुखी और परलोक सुखी। बोलो गुरुदेव भगवान की।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दार जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख रसे मन का सुख सम्मति घर आवे सुखानंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू में किसकी स्वामी शरण गाऊ में किसकी तुम बिन और न दूजा सकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मूर खखल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति स्वामी रव के प्राण पति विषविद मिलम दया में विषविद मिलम दया में तुम्हें कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार प्रणम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी हर हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ हरे नाथ हरे भक्त जनों के संकट हर जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे सर्वस्वरूपम आदनुपम भूमि भूपम वैवाना अंगरूपम जानरूपम गाढ़रूपम कल्याणम दायक दामम निष्कामम निर्वाणी श्याम श्री देव रामम गुरियानी चावल चंदन कुंगू केसर फूलों की बरखा बरसाओ बाजा तबला संगाया दीपक पूर्ण की से अगरबत्ती और धूप जलाओ आरती साज करो बहुत सुंदर सतगुरु की जयकार मनाओ बोल गुरुदेव भगवान की जय आशवंदी पुर तो दरियाई तो बिनवान काई राम तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाए पलव में तेरे प्यादी आयस है तम जाई राम हनुमान धन हर रास करे मैं तुम्हारा
साबुन कर सा दुसा पाप सभी राम कहते हूँ दुरलोक तीन में आवागमन मिटाई राम कहे स्वामी दुरलोक तीन में आवागमन मिटाई राम। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन गुरु तेरी गावन गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाइए हम है अजान गुरु आपो सुजान गुरु आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए करण कारण गुरु करण कारण गुरु विघ्न कारण गुरु बिगड़ी बनाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु शिखर मत गुरु चरण लगाइए परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जपाई परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम उजाल गुरु ज्योति को जगाइए सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही निहाल गुरु अमर अकाल गुरु यम से बचाइए गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु राम रघुपाल गुरु बंधन छुड़ाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जिकर मत गुरु चरण लगाइए परम उधारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जपाइए पर दुख हारी गुरु पर सुखकारी गुरु पर उपकारी गुरु हरि से मिलाइए अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु कर रखवारी गुरु ताप को जलाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए शाह के शाह गुरु सच्चा पत शाह गुरु बिन परवाह गुरु विपत हटाइए विवाहन वाह गुरु विराहन राह गुरु गुणन अथा गुरु मार्ग बताइए दया के दरिया गुरु दोषण के दाह गुरु भक्ष गुना गुरु मोहे न बुलाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए राजन के राज गुरु संत सुर ताज गुरु महा महाराज गुरु मोहे अपनाइए गरीब निवाज गुरु रखो मेरी लाज गुरु पूरे कर काज गुरु अज्ञान उड़ाइए भव जल पाज गुरु सुखन समाज गुरु तारक जहाज गुरु भव से तराइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए धर्म के स्वरूप गुरु आत्म अनुप गुरु अमल रूप गुरु गंध को गलाइए अगम अगाध गुरु अमर अबाध गुरु अचर अनाल गुरु अबेर बनाइए देवन के देव गुरु अलख अवेव गुरु अटल अखेव गुरु स्वरूप लगाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए ओटन ओट गुरु काटो भर्म कोट पूरन सुधानी गुरु पूरन सुधानी गुरु पूरन सुधानी गुरु प्रेम को पिलाइए शरण पालक गुरु संकट गालक गुरु मेरे हो मालक गुरु दर्श दिखाइए करुणा निधान गुरु सद मेहरवान गुरु कर ले सलान गुरु सुमति सिखाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाई ओटन ओट गुरु काटो भम कोट गुरु मिटो जम चोट गुरु पापन पलाइए वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु पीरन के पीर गुरु शांति में समाई तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दूषण दलाइए कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाई ओटन ओट गुरु काटो भ्रम कोट गुरु मिटो जम चोट गुरु पापन पलाई किरण के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु किरण के पीर गुरु शांति में समाई तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन दूषण दलाई कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाई कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी पत जी कर मत गुरु चरण लगाई गुरुदेव भगवान की जय।
सोलह शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जोए, सोलह शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जोए। कहे त्यों संकट कटे देत परम गति सोए, कहे त्यों संकट कटे देत परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन माई दारे पाए सुख आराम जी। उधम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है, भाग्य पर कछु नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति कदर करना खोइए नक संग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दुष दृष्टि को अरे, देख अगुण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो इत निंद किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए, राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम पाए कर, आने वाले वक्त की भी चिंता नवे नाई कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताए पर राजी रहो, बनी जाए बली धव्यों सदाम कसे कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई ताई दे सन्मान जी, जब वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ सारथ आपना, तो कपन पर लोक में कब हो तुमको तापना। धर्म अपने माई हर दम प्यार कर नटना नहीं, शीश जाए जान दे पर धर्म से अटना नहीं। मौत अपना याद कर लेती है भुलाओ ना कभी, ध्यान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में माने, वो अगिस देना करो सब सपन समसामान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी, चल राधार मन में भरम कर सब नाज जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को, जगत बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। कहे त्यों करणी करे भवन दूत रो पार, कहे त्यों करणी करे भवन दूत रो पार। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का वचन है, सारी जिम्मेदारी बड़ों पर है छोटों पर नहीं, छोटा होना अच्छा है।
सारी जिम्मेदारी बड़ों पर है, छोटों पर नहीं, छोटा होना अच्छा है। बोल गुरुदेव भगवान की। जो जनाए गुर शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की पूरण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न जम की त्रास, कार्य हो वन रास, संसे कोई नारे। गुरु महाराज कार्य हो वन रास, संचय कोई ना रहे। बोल सतगुरु देव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, वजीर पावन सीता राम। नंदन जय घन श्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय अभिनंदन जय घन श्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी तेऊ राम। अमरापुर सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार, जो साखिशो हम साखिशो, सतचित आनंद साखिशो हम। फिर काशी साखिशो हम, सब घटवासी साखिशो हम। सोवत जागत साखिशो हम, खावत पीवत साखिशो हम। उठत बैठत साखिशो हम, कहता के साखिशो हम। कहता स्वामी साखिशो हम, साखिशो हम साखिशो, साखिशो हम साखिशो हम, 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 साखिशो हम साखिशो हो। शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्रेम का प्रकाश हो। हर हर गंगे हर हर महादेव, हय उलाल सबई च झूले लाल, पीड़ा ही पार सदाई शोका।